पावर बीआई की इस क्लासेस में हम बात करेंगे एक डैशबोर्ड बनाने की। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में आपको एक मेल भेजा था और हमने बताया था कि हम किस तरह का एक डैशबोर्ड हम बनाना चाहते हैं, राइट सर। तो एक बार मैं वो इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पे सेंड में। जी हाँ, तो मैं कुछ इस तरह का इमेज बनाना चाहता हूँ, इस तरह का कोई रिपोर्ट्स बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ हमने पावर बीआई पे आता हूँ। ये आपकी रिपोर्ट है, मैं एक न्यू में आता हूँ, न्यू पावर बीआई ओपन करता हूँ, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट बना है लेकिन उस तरीके से नहीं बना है जैसा मुझे चाहिए था। चलिए आपके सामने ही मैं बनाता हूँ एक डैशबोर्ड कैसे बनता है। एक सिंपल डैशबोर्ड है जिसको हमने इंटरनेट से कॉपी किया था। तो ये अलग डेटा में बना हुआ है, जैसे कि कितने ने फॉलो किया, कितने लाइक वीडियोस दिए, कितने ने वीडियो को व्यूज कर दिया, कितने वीडियो ने सेव कर दिया, कितने फेल हुए, कितने सक्सेस हुआ देखने में, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ गेट डेटा पे आते हैं सबसे पहले। और यहाँ हम एक्सेल डेटा ले लेते हैं, लोकेशन पे जाते हैं जहां मेरा डेटा है, पावर डैशबोर्ड 3 है हमारा, इस डैशबोर्ड 3 का डेटा ले लेते हैं। और उसके बाद हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको लोड कर देते हैं। उसके बाद डेटा में आते हैं। अब डेटा को समझते हैं, ये मैं डेट बाय ज्वाइनिंग का डेटा है कि डेट को कौन सा किस एज के डेटा किसने, मतलब कौन से पर्सन्स ने किस कोर्स के लिए इंक्वायरी की थी, और उन्होंने डेमो कितने लोगों ने डेमो ज्वाइन किया। जैसे MIS के लिए 4 लोगों ने डेमो ज्वाइन किया, लेकिन 5 लोगों ने ज्वाइन किया। तो अब इसमें बोले डिफरेंस कैसे आया, डिफरेंस ये हुआ कि एक बंदा डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया, बोला कि मैं आपको पहले से जानता हूँ या पहले मैंने डेमो लिया था, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए 4 लोगों ने जो है डेमो ज्वाइन किया, 3 लोगों ने किया, 1 नेगेटिव हुआ, बोला कि सर मुझे पसंद नहीं आया आपका। ऐसे यहाँ 4 ने किया, 1 ने सिर्फ डेमो ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना होगा फेल का, क्योंकि इसमें फेल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हम एक मॉडलिंग में जाते हैं और न्यू कॉलम पे आते हैं, और यहाँ पे हम फेल का या नॉट ज्वाइन का लगाते हैं। तो इसमें हम कंडीशन देंगे इफ का, कि इफ हमने बोला कि डेमो माइनस ज्वाइन इज ग्रेटर देन 0 देन डेमो माइनस ज्वाइन अदरवाइज 0। ये हमने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे फेल जो हुए हैं उसका ही देना है, बाकी रहने देते हैं। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे आते हैं। तो जैसे कि इमेज बता रहा है कि सबसे पहले ये 4 अलग अलग इसमें पिक्चर्स यूज किए हैं, तो मैं यहाँ पे कोर्सेस डालना चाहता हूँ अपने अपने हिसाब से, कोर्स कि मैं चाहता हूँ। अब कोर्स में मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि मैं विजुलाइजेशन तैयार नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे दे दिया और अपने यहाँ पे कोर्स वाइज मैंने ज्वाइन बता दिए कितने ज्वाइन किए हैं, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता इसका अलग अलग कोर्स है, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। चलो मैं 5 लेता हूँ, मैं MIS ले लेता हूँ, VV ले लेता हूँ, एक्सेल ले लेता हूँ एंड पावर बी आई ले लेता हूँ। ये 4 चीज़ ले लेता हूँ, या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तो अब यहाँ पे आपको सीखना होगा सम इफ का फॉर्मूला, मतलब मुझे इसमें से ज्वाइन को करना है कि MIS वाले कितने ज्वाइन हुए हैं। जैसे कि एक्सेल में सम इफ का फॉर्मूला हम लगाते हैं ऐसे, हम यहाँ लगा।
हम क्या करेंगे, मेजर्स में जाएंगे। जैसे कि याद होगा आपने काउंट इफ के लिए काउंट एक्स लगाया था ना, जैसे मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया एक्सल एक्शन। अब यहां पे मैंने लगाया फॉर्मूला सम एक्स। सम एक्स में हमने डेटा में फिल्टर लगाया और फिल्टर में हमने कौन सा डेटा है, सीट वन का डेटा लिया और हमने बोला कि जो हमारा नेम है एक्सप्रेशन कि नेम नेम नहीं कोर्स मान लीजिए कोर्स, जो हमारा कोर्स है वो कोर्स कोर्स है वो कोर्स इक्वल टू यहाँ एक्सल एक्सल होना चाहिए। और फिल्टर को हम यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं एंड कॉमा, हम बोलते हैं किसका सम करना है, तो हमें ज्वाइन का सम करना है। तो यहाँ पे एंटर मारिएगा तो ज्वाइन का सम आ जाएगा, पर ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। उसके बाद मैं कार्ड को लेता हूँ और यहाँ इस एक्सेल को उठाता हूँ और इस पर डाल देता हूँ। तो ये आपके पास आ गया कि 175 लोगों ने ज्वाइन किया है, बट मुझे इसको यहाँ पे ऐसे शो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जो है एक पिक्चर्स भी देना है, मतलब एक पिक्चर यहाँ पे देना है एक्सेल का पिक्चर। तो इसकी फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पे डेटा लेवल है, एक मिनट, डेटा लेवल में डिस्प्ले यूनिट ऑटो रहेगा, सही है। नेशनल साइज में हमने सही कर लिया, फॉन्ट फॉन्ट है, स्पेसिंग भी सही है, कैटेगरी वर्ड रैप कैटेगरी तो नो कैटेगरी भी खास नहीं है, लैंडस्केप और जर्नल। इसमें कोई चेंजिंग खास नहीं है। अब मुझे इसके आगे पिक्चर्स को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करें, तो यहाँ पे स्पॉटलाइट कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हम टैग यहाँ पे इमेज पे आते हैं, इमेज पे एक्सेल का होगा, मुझे एक्सेल का लोगो चाहिए होगा, तो मैं यहाँ गूगल पे गया और एक्सेल लोगो लोगो को सर्च कर लिया। एक्सेल लोगो को सर्च कर लिया, कोई भी एक लोगो उठा लेता हूँ, इसी को उठा लिया, हाँ इसी को यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट नहीं, पेस्ट करने पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आपको मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप पेस्ट करते हैं तो होगा नहीं, टेक्स्ट बॉक्स के पास मतलब कि आपको फाइल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, फाइल से। तो फाइल के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेव एज करता हूँ, पिक्चर में मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च करता हूँ और सेव। अब मैं यहाँ पे अपने पावर बीआई में पिक्चर्स को यहाँ हम लेते हैं इमेज और एक्सेल पे आते हैं, ऐसा इसमें क्या बोलते हैं पिक्चर्स में, और जो हमारी एक्सेल वाली फोटो थी उसको ले लेते हैं। कम करते हैं इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप होने पे एक सेलेक्ट होने पे एक ही जैसा लगेगा। सेलेक्ट करके मैं इसकी फॉर्मेटिंग पे आता हूँ
और आप चाहते हैं कि इसका कोई बैकग्राउंड जनरल में, इसका बॉर्डर नहीं आई थिंक, हाँ बैकग्राउंड देना चाहते हैं कुछ कलर वगैरह तो आप दे सकते हैं, कि इसकी कलर मैं एक दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। समझ गया सर। अब इसी पे वापस हम कार्ड को लेते हैं यहां पे, और हम जो फॉर्मूला हमने इस पे एक्सेल पे लिया है वो सेम फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी करते हैं। फिर हम यहाँ मॉडलिंग में एक और मेजर्स लेते हैं और उस मेजर्स के ऊपर यहाँ हम वी वी ए का डाल देते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। एक्सेल की जगह पे वी वी आएगा। हाँ मैंने कॉपी पेस्ट करना चाह रहा था ना इसको, नहीं कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं होता है, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सर। और इस पे हम लेते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम एक्सेल के जगह पे वीवीए डाल देते हैं। ये कर दें, इस वीवीए को उठाता हूँ, इस पे डाल देता हूँ, और इसकी इसके लिए भी कोई पिक्चर है तो आप यहाँ से वीवीए का ही पिक्चर लोगो ले सकते हैं, ठीक है सर। ये लोगो जो आपके लिए आपके पसंद में है, जैसे कि इसको ले लिया हमने सेव एज, यहाँ पे ये है तो मैं इसको राइट नहीं ओवर राइट नहीं करना चाहूंगा, और फिर इसमें हम उठा लेते हैं। आपको कर सकते हैं ना सर आगे, बार बार लगता है सर नेटवर्क जा रहा है, क्या हो रहा है आपके एंड से प्रॉब्लम है सर, मेरा तो सही है। फॉर्मेट में आइए आप, डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, अलाइनमेंट है सेंड बैक फॉरवर्ड, एडिट इलस्ट्रेशन में आइए, डेटा डेट को दिक्कत नहीं होगा, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके दोनों साथ सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, ये ग्रुप हो गया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अनग्रुप करता हूं, फिर इसको छोटा करता हूं, ये फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अग्रुप कर दीजिए, ठीक है सर। ऐसे बाकियों को भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम
लेते हैं विजुलाइजेशन को। इसमें मैं यहाँ पे फेल ऐसे लिखना पड़ेगा, फेल और ज्वाइन का करना है ना सर? हाँ फेल और ज्वाइन का। तो यहाँ पे जो है आप ले सकते हैं पाई चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट में। पाई चार्ट। यहाँ पे फेल तो अलग कॉलर है ना सर, एक ही साथ ज्वाइन और फेल होता तो ठीक रहता, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसमें मुझे ये लेना था, इसको लेना था, और यहाँ पे हम ज्वाइन भी ले लेते हैं और डेमो भी ले लेते हैं। और ईयर यहाँ पे जो है ईयर वाइज है, मैं इसको ड्रिल करता हूँ, क्वार्टर वाइज एक और ड्रिल करता हूँ, तो मंथ वाइज हो गया, ठीक है सर। लेकिन 100% हमने ले लिया, ये गलत लिया, हमें ये लेना चाहिए। ओके सर, और फिर अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई कि मुझे फेल और डेमो का दो अलग अलग चाहिए, फेल और डेमो का। तो मैंने क्या किया कि होम पे गए, यहाँ रिमॉडलिंग पे, और यहाँ पे टोटल मेजर्स पे आते हैं, और ज्वाइन टोटल कितने हुए हैं यहाँ पे हम इसको देते हैं टी ज्वाइन के बारे में, टी ज्वाइन, और यहाँ पे देते हैं सम इक्वल सम, और सम में हम देते हैं ज्वाइन, ज्वाइन आ गया टोटल ज्वाइन। और हमने यहाँ पे एक और मेजर्स लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम करते हैं बाद। मैं यहाँ पे पाई चार्ट लेता हूँ, इस पे मैं ज्वाइन को और फेल को दोनों को रखता हूँ, ठीक है सर। इसके नीचे मैं कार्ड लेता हूँ, और इस कार्ड में मैं यहाँ पे ज्वाइन टोटल फेल, मतलब कि जो फेल है हमारा वो आ गया, और फिर यहाँ पे हम वापस लेते हैं एक और कार्ड लेते हैं, इस कार्ड में टोटल ज्वाइन को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम वापस होम पे जाते हैं, और यहाँ सेप्स, सेप्स में एक का लाइन ले लेता हूँ मैं, इस लाइन को यहाँ लगा देता हूँ, और इसके फॉर्मेट में आता हूँ, इसको रोटेट करने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो रोटेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे पास एक और उपाय है, मैं सेप्स यहाँ बटन्स है तो बटन्स को नहीं लेता हूँ, बट एरो निशान ले लेता हूँ। सही रहेगा,
साथ ये तीनों को ग्रुप कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ। इसको सेंड टू बैकवर्ड यहाँ पे कर देता हूँ ताकि पीछे चला जाएगा। इसकी बॉर्डर में आने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, उतना इसमें नहीं देखा जाता। और एक हम एक और मेजर्स लगाते हैं मॉडलिंग में, और मेजर्स में मैं यहाँ पे रेवेन्यू डेमो कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने डेमो ले लिया और फिर इसको भी एक कार्ड पे हम टोटल डेमो को लिख देते हैं। और इसकी फॉर्मेट पे आता हूँ मैं, डेटा लेबल कलर ब्लैक है, ऑटो है, साइज कम देता हूँ बट और इसकी बैकग्राउंड को हटा देता हूँ। हो गया सर, और ऐसे यहाँ पे इसको पूरा कर सकते हैं आप। ये हमारा डैशबोर्ड तैयार है, तो इसको अभी अधूरा है, इसको पूरा कर लीजिएगा आप। ठीक है सर, संदीप जी नहीं लेगा ना क्या? क्या बोल रहे हैं सर? टेक्स्ट में रहेगा तो हाँ, मंथ टेक्स्ट में रहेगा, मंथ टेक्स्ट में रहेगा तो नहीं लेगा, मंथ टेक्स्ट में रहेगा तो नहीं लेगा सर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।